मुगमा मोड़ से रेलवे स्टेशन होते हुए रेलवे फाटक तक 8,60,000 की लागत से सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास रविवार को सांसद माननीय पशुपति नाथ सिंह एवं निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह रोड एक लाइफलाइन माना जाता है जो अत्यंत जर्जर की स्थिति में है। बड़े छोटे गाड़ियों का आवागमन निरंतर होता है। मुगमा मोड़ से यह रोड पुरुलिया को जोड़ती है एवं इस रूट में छोटे बड़े 5 स्कूल भी है तथा एक बड़े उद्योग ओम्बेश्को को भी जोड़ रही है। यह रोड शिलान्यास होने से ग्रामीणों एवं राहगीरों में खासा उत्साह है। शिलान्यास में मंडल अध्यक्ष रंजीत मोदी, चिनप अध्यक्ष डब्लू बावरी, 11 कुंड सांसद प्रतिनिधि गुड्डू सिंह, वरिष्ठ नेता प्रशांत बैनर्जी, निरसा सांसद प्रतिनिधि संजय महतो, चिरकुंडा मंडल अध्यक्ष बप्पी सेन गुप्ता, पंचेत मंडल अध्यक्ष बापी देव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। विस्तार से सब बात रख दिए हम लोग। चूंकि एमपी चुनाव हो, एमएलए चुनाव है हुआ, हम लोग क्षेत्र में भ्रमण किए और हम लोग के पास ये जो जितना काम हम लोग कर रहे हैं, विशेष करके मुगमा मोड़ का, लगातार हम लोग जनता के बीच आ रहे थे और हम लोग विश्वास दिला रहे थे जनता को कि हमारे माननीय सांसद जी भी इसमें लगे हुए हैं। हम भी विधानसभा में लगातार क्वेश्चन किए हैं और हमारे भावकुल हमारे सांसद जी इसको सपोर्ट करके हम लोग दोनों का मैंने सहयोग से आज ये रोड बन रहा है। तो हम लोग सही में सांसद जी कौन इसका नाम ले कर रहा है, कौन होड़ लगा रहा है, उसमें हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग जनता चुनाव के समय जनता के बीच जाके हम लोग बोले थे कि एक सेवक के रूप में आप लोगों की सेवा, निश्चित विधानसभा का जनता का सेवा करेंगे और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी हम लोग सांसद विधायक मिलके इस रोड का शिलान्यास किए। और हाँ, आप लोग से मेरा जो सांसद जी बोले अनुरोध है आप लोग से कि आप लोग भी इस रोड को देखिए, अच्छा से काम हो, ये भी हम आप लोग को बोलेंगे। बहुत बहुत आज राज्य संपोषित योजना के तहत मुगमा मोड़ से रेलवे फाटक सड़क का निर्माण शुरू हो रहा है, उसका शिलान्यास का कार्यक्रम है। मुगमा मोड़ से तो थोड़ा आगे तक कुछ सड़क चलने लायक भी थी, लेकिन फाटक तक बहुत खराब स्थिति में थी। तो इसे निर्माण का कार्य प्रारंभ होने से इस क्षेत्र की जनता में काफ़ी खुशी का वातावरण है। हम अपेक्षा करते हैं कि जिसका कार्य आज प्रारंभ हुआ है वह गुणवत्ता वाला कार्य हो और समय पर यह पूरा हो, इसका क्वालिटी भी मेंटेन रहे और समय पर पूरा भी। निश्चित रूप से इसी शिलान्यास कार्यक्रम में आया हूँ और हमारे विधायक जी भी आए हैं। सुखद संयोग है निरसा विधानसभा के लोगों का कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और इसीलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। जहाँ जनता की सहभागिता है, मुखिया जी की सहभागिता है, मुखिया जी भी इसमें शामिल हैं, तो सभी लोगों की सहभागिता है और सभी लोगों की आकांक्षा को पूरा करने में यह सड़क निश्चित रूप से इसके बनने से कामयाब। सारा श्रेय भाजपा ले रही, लेकिन सारा वो लोग की आंदोलन उन लोग के द्वारा किया गया है, शिलान्यास भी किया गया ऑनलाइन मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया है, तो फिर सांसद महोदय का इस शिलान्यास का क्या मतलब रहेगा? ये मासस के द्वारा धरना प्रदर्शन पहले चला इस रोड के लिए, श्रेय लेने का सवाल नहीं और किसी के धरना प्रदर्शन, इस बात को सबको जानते हैं कि हर एक सड़क का, यही सड़क का क्या वो हर एक सड़क का धनबाद जिला में जहाँ भी खराब सड़क है, यहाँ भारत सरकार ने एक कमेटी बनाया है हर एक जिला में पीसा का और धनबाद बोकारो जिला का मैं अध्यक्ष। जहाँ भी सड़क की समस्या आती है आंदोलन किए, लेकिन निर्णय तो वहाँ होता है, आंदोलन करने से सब सड़क बन जाए तो हम लोगों की सहभागिता शुरू से रहती है।
सड़क के निर्माण के लिए और इस बात के लिए लोगों का किसको श्रेय मिले नहीं मिले उसके लिए हम तो एक व्यवस्था है, हम लोगों को कोई शौक नहीं कि सड़क का शिलान्यास करें उद्घाटन करें, एक व्यवस्था है क्योंकि डंका बजाकर सड़क का निर्माण की सब लोग इस क्षेत्र का जागरूक होकर देखें कि यह सड़क ठीक बन रहा है। आप भी मीडिया के साथी हैं, आप भी जागरूकता के साथ इसको देखें, चुपके चुपके नहीं, और इसीलिए शिलान्यास का कार्यक्रम होता है, उद्घाटन का कार्यक्रम होता है, और जिसको श्रेय लेना हो ले। हम लोग जो है जनता का काम कर रहे हैं और जनता हम लोगों के काम से खुश है, इसीलिए एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं छह बार लगातार जनता जीता रही है। अब ये सवाल सब